नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनवार के बरजो स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव-गांव में जाकर एक एक लोगों से मिलकर इसकी जानकारी देने की बात कही गई, ताकि लोग इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ ले सके। कहा कि अभी तक देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है, जो केंद्र की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से सिंह को अवगत कराया, जहाँ सिंह ने कई लोगों की समस्याओं का निदान किया तथा कई लोगों को जल्द ही समस्या का निदान करने का भरोसा दिया। इस क्रम में सिंह ने धनवार विधानसभा क्षेत्र की जनता को दीपावली तथा छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी। लोगों क्या समस्या है, समस्या का सुनकर समाधान के साथ उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं और सभी लोगों को बता रहे हैं कि जो मोदी जी की जो सरकार देश में है, वो जो जो काम किए हैं, अच्छे काम, एक नहीं अनेक अच्छे काम हुए हैं, उसको जनता के बीच में ले जाए, जनता को समझावे। ये काम मोदी जी ने द्वारा किया गया है, चाहे शौचालय हो, पानी का समस्या हो, या 80 करोड़ जनता का जो खिलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन जो 100 करोड़ हुआ, सारा चीज ऐसा मोदी जी के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो हर दिन बोलते रहेगा उपलब्धि के बारे में। जो उपलब्धि है मोटा मोटी उसको जनता के बीच में ले जाए और प्रेजेंट सरकार जो झारखंड की है उसकी विफलता के रूप में जनता को बताना चाहिए। बोलती थी कि हम 1 साल में भी 1000 लाख बहाली कर देंगे, कोई बहाली नहीं हुआ, 400 के अलावा कुछ बहाली नहीं हुई, कोई काम नहीं अभी तक हुआ, खाली बोल के खाली सरकार जनता को गुमराह कर रही है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। और आने वाला जो समय है, फिर यहाँ भी झारखंड में भाजपा का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता उत्साहित होकर के जिस प्रकार से उत्साहित है और भी उत्साहित होकर जनता के बीच में जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको बतावे। आगे होने वाला मुखिया का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, इस चुनाव के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस ढंग से अधिक सीट हम लोग जीत सकें। सब जिस गाँव में ज़्यादा लोग कैंडिडेट हो रहे हैं उसको बैठा कर कोशिश करेंगे कि कैसे कैंडिडेट को चुना जाए जो निश्चित रूप से वोट में जीत सके। लोगों प्रयास यही रहेगा, इन्हीं से बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, राजधनवार।